रायसेन में बारिश होने से जहां सर्दी का असर बढ़ा है, वहीं सागर रोड पर सड़क किनारे बाहर से आए ऊनी वस्त्र विक्रेता बारिश के कारण अपना लाखों का नुकसान उठा रहे हैं। वहीं एक व्यापारी ने बताया कि एक निजी गुमटी वाले ने उससे 2000 रुपये लेकर यहां पर दुकान लगाने के लिए जगह दी है, जबकि यह जगह नगर पालिका की है। बड़े सवेरे इन दुकानदारों का हाल जानने पहुंचे और दुकानदारों ने क्या कहा, दर्शक खुद सुन ले। हम खड़े हैं एक स्वेटर की दुकान के सामने। कल रात में यहाँ बारिश हुई, कुछ दुकानदारों से हमने बात की कि उन्होंने कहा कि बारिश से उनका पूरा माल भीग गया है, उनका काफ़ी नुकसान हुआ है। यह बारिश किसी के लिए, किसानों के लिए तो खुशी लेके आई है, लेकिन जो रोड पर दुकान लगाए हुए हैं उनके लिए ये एक आफत लेके आई है। मैं राकेश जैन, रायसेन। पानी गिरने से नुकसान हुआ है? कुछ नुकसान हुआ, कम्बल आला गीले हो गए जी और अंदर पानी भरा गया। कितना नुकसान हो गया होगा? कम्बल सारे गीले हो गए। अच्छा, और अंदर भी पानी भरा गया, स्वेटर भी गीले हो गए। क्या नाम है आपका? गोविंद। कहाँ से लाए दुकान आप? मैं मंसूर का हूँ। ये दुकान आपने किराए से ली रोड पे? हाँ। कितने रुपए? 2000 रुपए की। कौन ने लिया आपसे? वो गुमटी वाले ने। नगर पालिका ने लिए? नहीं। क्यों लिए गुमटी वाले ने? वो बोलता है उसकी इधर लगती दुकान, पहले उसकी दुकान थी। नाम पता है गुमटी वाले का?